फिर क्या लिखा है इसमें, यथाशक्ति प्रकृतव्यो नियमो व्रत हेतव। जितनी शक्ति है, सामर्थ है, वही संकल्प लीजिए। संकल्प टूटता है तो अपराध लगता है। आपने कहा हे प्रभु हमारा यह काम कर दो, 10,000 दिए जलाएंगे, दिए नहीं जलते हैं तो अपराध लगता है। आप जो भी मनोती मांगते हैं उसको पूरा कीजिए। कल परसों के प्रवचन में हमने बोल दिया था कि कात्यायनी माता को 11,000 बेलपत्र चढ़ाएंगे। ब्रज में कात्यायनी माता है, वृंदावन से 40 किलोमीटर दूर है यमुना के किनारे शेरगढ़ की तरफ। सगरे ब्राह्मण गए सज के, सब इकट्ठे हुए, माता रानी को बेलपत्र साड़ियां पहनाई। अब यहां से बोल दिया कि 11,000 चढ़ाएंगे और नहीं चढ़ा तो जघन्य अपराध। उतना ही बोलो जितना कर सको। लोग मंदिरों में घंटा बोल देते हैं, हनुमान सालासर की सवामणि बोल देते हैं। एक देवी भागवत में हरिश्चंद्र राजा की कथा आती है, इनको संतान नहीं थी तो इन्होंने वरुण देवता के लिए कुछ बोल रखा था। बेटा हो गया, नाम रोहित रख दिया गया। वरुण देवता आए कि तुमने मनोती मांगी थी कुछ चढ़ाने के लिए, पूरा करोगे? अभी बच्चा छोटा है, दांत आ जाने दो तब कर देंगे। दांत आ गए तो राजा ने कहा थोड़ा घुटुवन चलेगा तब कर देंगे। घुटुवन चलने लगा, अब थोड़ा खड़ा हो जाए तब ही कर देंगे। खड़ा भी हो गया, कहा अब थोड़ा अब गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई पूरी कर लेगा तब ही कर देंगे। और राजा बस टालता रहा और ऐसी स्थिति बनी कि राजा को काशी के बाजारों में बिकना पड़ा। जो मनोती मांगी गई है उसमें देर न लगाएं, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। तो इसमें लिखा है कि इतना बड़ा संकल्प न लें, यथाशक्ति प्रकर्तव्यो नियमो व्रत हेतवे। यथाशक्ति, जैसी आपकी शक्ति है, शरीर काम कर रहा है तो ही आप व्रत लेने का संकल्प लीजिए। बहुत लोग संकल्प लेंगे हम तो लौंग के ऊपर करेंगे, ना दूध पिएंगे ना पानी पिएंगे, सो मुरझा करके मूर्छित होकर के नीचे गिर जाएंगे, फिर एक बिलंदा भरी रोटी खिलानी पड़ती है उनको। तो इसमें भगवान व्यास कहते हैं यथाशक्ति, जैसे आपकी शक्ति है, शरीर जैसे काम करता है। डायबिटीज के मरीज को सुबह जल्दी खाने को चाहिए। शरीर यदि काम करता नहीं है तो कोई भी पूजा पाठ के बहुत बड़े संकल्प मत लीजिए। इसलिए तो कहा गया है कि जब तक आप बूढ़े नहीं हो रहे हैं तब तक तो पूरी यात्रा कर लो, बूढ़े नहीं हो रहे हैं तब तक दान व्रत उपवास ये सगरे कर लो, और जब शरीर जर्जर हो जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, फिर तो एक जगह बस पड़े रह जाएंगे, माला भी छूट जाएगी, मानसिक चिंतन भी नहीं हो पाएगा। होशियारी इसी में ही है, जब जर्जर अवस्था आवे, औषधि लेने की जरूरत पड़े, ये सगरे काम उससे पहले कर लो, बाद के लिए कुछ छोड़ो ही मत। चाहे नवरात्रा हो, शिवरात्रि हो, कुछ भी हो,